अभी उतर रहा है अंडे वाली मुर्गी, जो कि झुमरी तिलैया कोडरमा के पास झारखंड में उतर रहा है। तो आप लोग को दिखाएंगे कि जहां हम लोग आए हुए हैं झुमरी तिलैया में, यहां बहुत सारे गाय जो पहाड़ पे चरती हैं, और इनके यहां चलते हैं जो कि बिल्कुल घाटियों से होकर के इनके गांव में हम लोग पहुँचेंगे। तो चलिए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे घर पर आए हुए हैं झुमरी तिलैया से, आपको कोडरमा झारखंड से आए हुए हैं। तो ये उनके छोटे बेटे हैं और वो पिताजी हैं, दोनों मिलके आए हैं और बाप बेटे दोनों साथ में आए हैं झारखंड से, जो कि अंडे वाली मुर्गी लेने के लिए आए हैं। तो अभी हमारे दलान पे जहाँ पे हम लोग गेस्ट लोग को रखते हैं, जो भी फार्मर भाई आते हैं यहाँ पर रहते हैं, आराम से रहने का, खाने का, सोने का व्यवस्था है। और ये हमारी गाड़ी हुई, अब आपको चल कर दिखाते हैं जो इनका मुर्गियाँ हैं, जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं वो ये ले जा रहे हैं। तो टोटल 300 पीस अंडे वाली मुर्गियां ले जा रहे हैं, वो पिकअप में अभी पैक किया हुआ है। चलिए दिखाते हैं और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग इंजॉय कीजिए। आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे कैसे मुर्गियां जाती है, और ये अपने घर पे मात्र अपने जो मकान बनाए हुए हैं उसमें ही फार्मिंग किए हुए हैं, उसमें ही रख रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी देखिए टोटल कैरेट यहाँ पर रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 8 है, और टोटल 300 पीस इनके पास मुर्गी है। और मुर्गा ले जा रहे हैं जो कि आपको ये 100 पे 10% है, यानी 100 में 10 मुर्गे हैं। और 2 बैग दाना भी रख लिए हैं, ताकि वहाँ पर दाना खरीदने से पहले जो फेज़ 1 अभी दे दिए अंडे वाले दाने, जो आप लोग ये तुरंत चलाएँ। तो नमस्कार किसान भैया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंडे वाली मुर्गियाँ बिक रहे हैं, और 200 रुपये पीस जो था मैं वीडियो डाला था वो दे भी रहा हूँ। तभी हजारीबाग के पास से बरही से लोग आए हुए हैं, उन लोग से बात भी करवाते हैं और साथ में ले जाएंगे चूजे जो आपको दिखाएंगे भी। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अब बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अभी घर से निकल गए हैं, मुर्गी पीछे लोड है। मुर्गी कितना ले जा रहे हैं सर, टोटल कितना पीस है? 300 पीस है, 330 पीस है। तो अभी अपने गाँव की तरफ का खेती बढ़िया है। तो चलिए ये सब देखते हुए इनके घर पे पहुंचेंगे और वहां पर उतार करके आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग राजगीर में इंटर करने वाले हैं, पावन धरती पर, जो कि बिहार में एक बहुत ही टूरिस्ट पैलेस है राजगीर। वहां के हरियाली को आप लोग देखिए, और आपको दिखाएंगे कि राजगीर में कुंड के पास जो गुजरते हैं, उसके बाद राजगीर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर गुजरते हैं। तो आपको दिखाते जाएंगे पूरा रास्ता, आप लोग इंजॉय करेंगे कोडरमा जाते हुए। और आपको मैं दिखा दूं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का गेट है, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है, जो कि पहले बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरे जो एशिया में बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी में आती थी, दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी हम लोग क्रॉस करेंगे कुछ ही देर में, और हम लोग पहुँचेंगे ब्रह्मकुंड के पास, जो कि राजगीर में है, जहाँ गर्म जल रहते हैं। अभी देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी ही पार कर रहा हूँ, और बिल्कुल ही आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से फार्मिंग इधर भी होते हैं, और इधर भी देखिए फार्म आपको नज़र आया। और ये जो यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं बाउंड्री बहुत बड़ा है, और यहाँ पर अभी भी वैसे पढ़ाई होने वाले हैं, जब बन के तैयार हो जाएंगे तो सभी जगह से लोग आएंगे। तो चलिए किसान भाई, आप लोग को हम दिखाते हैं कुछ तस्वीर, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो राजगीर का भी। हम लोग जाएंगे रजौली होते हुए आपको झुमरी तिलैया में, कोडरमा में। तो आप लोग भी सफ़र का एंजॉय कीजिए, और लास्ट में जो वहाँ पर उतरेगा मुर्गी तो भी देखिएगा। अभी देखिए यहाँ पर टमटम का सवारी होता है राजगीर में, ज़्यादातर लोग टांगे से ही, यहाँ ऑटो बहुत कम यूज होता है मैं बता दूँ, यहाँ टांगे से लोग पर्यटक लोग आते। तो रास्ते का एंजॉय कीजिए, अभी टांगा आप लोग देख रहे हैं। अब आगे आपको सोलर पैनल वाला जो प्लेट है वो भी दिखाएंगे, जो बैठाया गया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजगीर में है, सफारी वो भी आपको दिखाएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी, जहाँ पे अभी पर्यटक लोग काफ़ी ज़्यादा बिहार के सभी जगह से, बल्कि नहीं भारत के सभी कोने से आ रहे हैं और देख रहे हैं। यहाँ पर राजगीर में मैं बता दूँ कि एक ग्लास ब्रिज भी है, तो आपको चल करके हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर राजगीर में ऐसा है सर, जो भी किसान भाई अगर जो इधर आते हैं उनको हम घूमने का भी सलाह देते हैं कि आप लोग आइए। देखिए ब्रह्मकुंड नज़र आ रही है, आप बगल में लिखा हुआ होगा आई लव राजगीर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सफ़र का इंजॉय इस प्रकार से हम लोग करेंगे। यहाँ पर पुलिस के भी अच्छा व्यवस्था रहता है, कोई पर्यटक को दिक्कत होने वाली नहीं है।
और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो अभी नज़र आ रहे हैं आपको वाइल्ड लाइफ सफारी। देखिए पर्यटक से लोग, बच्चे वाले, क्लास वाले लोग भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी है जो कि राजगीर में अब ओपन किया गया है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर पेयजल का भी सुविधा है और यहाँ पर कुछ टिकट भी कटवा रहे हैं लोग। थोड़ा बहुत आपको टिकट कटवा के अंदर जाके आपको उसमें रहता है कि आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करेंगे इस तरीके से। और अभी हम लोग रत्नागिरी, आप लोग देख रहे हैं रत्नागिरी जो पहाड़ है उसको पार कर रहे हैं। यहाँ पर शो कर रहा होगा रत्नागिरी। तो ये पूरा ही टूरिज्म पैलेस है सर, आप अगर जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा राजगीर वर्ल्ड लाइफ सफारी। तो बहुत ही अच्छा आपको इधर माहौल है। अभी देखिए सोलर पैनल वाला आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर तक ज़्यादा सोलर पैनल है, इससे बिजली बनती है। तो जो किसान भाई अगर जो इधर आना चाहते हैं राजगीर तरफ, बहुत ही अच्छे ढंग से घूमिए, देखिए, समझिए और आप लोग सफ़र को एंजॉय भी कीजिए। हम लोग आगे रजौली का घाटी भी दिखाएंगे। अभी नवादा का 4 लाइन पे हम लोग चढ़े हुए हैं जो कि पटना टू नवादा है, रजौली तक है। और रजौली का हम लोग आपको घाटी भी दिखाएंगे जहाँ पर पहले तो और बहुत ज़्यादा घाटी हुआ करते थे, यानी पूरा गड्ढा हुआ करता था, ऊंचा हुआ करता था। लेकिन अब जो है घाटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी सुलभ हो गई है गाड़ी चलाने में भी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं रजौली का घाटी ही है और इतना खुशनुमा पैलेस आपको नज़र आएगा घाटी में, गाड़ी चलाने वक्त तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और देखिए नज़ारा बहुत ही रमणीय है। और इधर एक चीज़ हम बहुत अच्छा हमको लगता है, छोटे छोटे गाय होते हैं जो अपने आप चरते रहते हैं और जिनका गाय होता है उनके पास जा कर के 1-2 किलो दूध तो पक्का निकलता ही है और फ्री में चारागाह बहुत सारा है। तो घाटी हम लोग पार कर रहे हैं, घाटी का आप लोग इंजॉय भी कीजिए। और जो किसान भाई अगर जो बकरी पालन करना चाहते हैं, हम उन लोग के लिए बेस्ट जगह मानते हैं जो पहाड़ी इलाका है वो। अभी देखिए घाटी बहुत ही कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं गहरा है और इस तरीके से ही रजौली का घाटी फेमस है। और हम लोग रजौली होते हुए झुमरी तिलैया जो डैम है ना, डैम भी हम लोग दिखाएंगे। और ये आपको सैनिक स्कूल है तिलैया में, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सैनिक स्कूल तिलैया फॉरवर्ड इवर, हाँ यही है जो सैनिक स्कूल का जो रास्ता है उससे होकर ही हम लोग जाएंगे। बहुत ही खुशनुमा पैलेस है और कोडरमा हम हमेशा जाते रहते हैं, रजौली जाते रहते हैं, अंडे वाली मुर्गियां या मांस के पर्पस से, चाहे जो भी, चाहे छोटे बच्चे जिनको मंगाना होता है तो भिजवा देते हैं। अभी आप लोग डैम का नज़ारा देख रहे होंगे, इससे बिजली बनती है और बहुत ही अच्छे ढंग से बिजली बनाने का काम किया जाता है इस डैम से। डैम के उस पार बता रहे थे किसान भाई कि बहुत सारा पानी स्टॉक रहता है, समय पर जब बिजली बनानी होती है तो निकालते हैं। अभी देखिए रास्ते में कुट्टी मिल गया था, यानी कि जो चारा के लिए तो वो ले लिए थे और मुर्गी के चारा के लिए दोनों दाना रखा हुआ है, 2 बड़ा दाना जो था। और ये अपने घर के पास इनके हम पहुंचा दिए हैं। अंडे वाली मुर्गियां से अच्छा इनका प्रॉफिट होगा, अभी पूरा ठंडी है, मज़ा लेने वाले हैं अंडे का। और इनके जो पिताजी के हाथ में है वो दवाई है और जो मुर्गी के दवाई भी हम साथ में इनको लेकर के दे दिए थे, ताकि अगर जो दवाई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये लेकर के चलाएंगे। अभी इनका घर मैं चल करके दिखाता हूँ, अभी घर में ला रहे हैं मुर्गियाँ। और ऐसा आप लोग देखिएगा ना आगे कि अपने घर में ही रखे हुए हैं मुर्गियों को, किस प्रकार से रखते हैं। और इनको मैं बोला कि जो अंदर जो रूम है देखिएगा, 2 रूम है बना हुआ, तो इस तरीके से रखेंगे। अंदर जो खिड़की है उसको खोलना होगा, इनको हम यही जानकारी दिए कि खिड़की को खोल दीजिएगा ताकि वेंटिलेशन बना रहे। और इनके पास जगह तो है काफ़ी और अच्छा फार्मिंग करने वाले हैं। तो जो किसान भाई झारखंड के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, यूपी के हमसे जुड़े हुए हैं, अंडे वाली मुर्गी या कड़कनाथ, जो भी मुर्गी या चूजे की ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। और अभी देखिए छोटे छोटे गाय जो हम बोल रहे थे कि पहाड़ी इलाका में बहुत फेमस है, और यहाँ पे गाय लोग अपने से चले जाते हैं चारागाह में और उधर से चर करके आके आपको अच्छे से दूध देंगे। ये बहुत हमको यूनिक लगा, अच्छा फाइनली डिलीवर हो गया और अब यहाँ से निकल चुके हैं। यही है कि भैया
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।